हमने चेकअप कर लिया है, इनकी जिंदगी खतरे से बाहर है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से आज रात हम इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, समझ गए आप? आप लोग परेशान मत हो। वो ठीक हो जाएगी भाभी, आपने सुन लिया ना, कोई सीरियस मसला नहीं, आप फिक्र मत करें। अगर उसे रात में कुछ हो गया तो क्या होगा यार? खून इसी तरह से बेहतर है तो मेरी बहन तो मर जाएगी है वहाँ। खुदा के लिए ऐसी बातें मत सोचे इकबाल साहिबा। मैं खुद को रोक नहीं पा रही सर। जोहाल तो बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव करती है, आज तक कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। फिर उसके साथ जो कुछ पहले हुआ वो अपने आप में नहीं थी, मेरा मतलब वो सब होने के बाद, काश कि वो सब ना हुआ होता। जुहार बहुत हसास और मूडी लड़की है, जो कुछ हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तुम बुरा मत मानना यमान जुहार की उस हरकत को, वो ऐसी है। मैं कॉफी का एक कप पीना चाहता हूँ, क्या तुम पियोगी? नहीं शुक्रिया। यहाँ आइए, हम लोग बैठ जाते हैं। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ इकबाल साहिबा। सहर ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसे बिल्कुल भी मत सोचो। तुम्हें मैंने पहले बताया था कि जुहाल जिंदगी में बहुत कुछ देख चुकी है, मैंने उसे बहुत मुश्किल से पढ़ा किया है। सिर्फ यमान ही उसकी देखभाल किया करता था। जुहाल अजनबी नहीं है, हम सब यमान के खानदान का हिस्सा है। जुहाल अंदर से बहुत बुरी तरह डरी हुई है, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात में पली बड़ी है वो। उसके खौफ ने उससे गलती करवाई। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसके बारे में मज़ीद बात नहीं कर सकती। से तुम एक लफ्ज नहीं निकालोगी और सुबह होने तक मेंशन से दफा हो जाओगी तुम। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? कॉफी से चल गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कैसे कुछ नहीं हुआ? लाल हो रहा है तुम्हारा हाथ, ये क्या किया तुमने? मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। ये जो कुछ हुआ है इसका तुम्हारे जुहाल पर गुस्सा करने से कोई ताल्लुक नहीं। इकबाल साहिबा से भी बात की है मैंने, उसकी हालत वैसे ही खराब थी। बस दफा आप पूरी कोशिश करते हैं मगर काफी नहीं होता, आप घर वालों के लिए हर खतरा मोल ले लेते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता।
ऐसा नहीं है। तुम्हारी फैमिली सही सालिम तुम्हारी वजह से है। अगर हम मजबूत हैं तो, एक साथ हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने हम सबको एक साथ जोड़ के रखा हुआ है। तुम्हारे होने की वजह से महफूज महसूस करते हैं हम। हम सब ये जानते हैं कि तुम हमारे लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटोगे, तो इसलिए अपने आप को ब्लेम नहीं करो। दुआ है कि वो जल्द ठीक हो जाएं। आप फिक्र मत करें, मैं नस्लेहान और अदालत से बात कर लेता हूं। परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है मिस जुहाल के साथ एक छोटा सा हादसा पेश आ गया है, वो बेहतर है। एहतियात के तौर पर उन्हें आज हॉस्पिटल में रखा जाएगा, वो कल आ जाएंगी। अल्लाह का शुक्र है। जब आपने हॉस्पिटल और एक्सीडेंट का कहा तो मैं काफी डर गई थी। जिया साहब को इस बारे में कुछ नहीं पता, न उन्हें इस बात का पता चले। आप फिक्र मत करें जेंगर साहब। खाला, ऐसा लगता है जुहाल मैडम उन दोनों की शादी बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए जानबूझकर एक्सीडेंट कर लिया अपना। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ इस बात पे। नस्लेहान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो अगर किसी ने सुन लिया तो हमारे साथ क्या होगा। हाँ, ऐसी बातें मत करो, समझ गई तुम? अगर तुमने फिर ऐसी बात की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अगर ज़िया साहब तुम्हारी बातें सुन ले तो उन्हें सदमा होगा। क्या हुआ और आखिर किस लिए सदमा होगा मुझे अदालत? क्या ऐसा कुछ है जिससे घर का सुकून खत्म हो जाएगा? अगर उसका खून बंद नहीं हुआ और आज रात तक वो ठीक नहीं हुई, या मेरे खुदा मुझे तो सोच के। खुदा के लिए रहम करें अपने आप पे। आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। जुहाल बिल्कुल खैरियत से चली जाएगी घर। आपको कुछ चाहिए? मैं चाय लेकर आऊं आपके लिए। नहीं सर, शुक्रिया। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि सुहाल जल्दी से ठीक हो जाए बस। सर, तुमसे एक बात कर सकती हूँ मैं? कुछ दिन के लिए तुम ज़िया का ख्याल रख लो तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। बिल्कुल, लेकिन किस लिए? मैं समझी नहीं। मुझे कुछ दिनों तक सुहाल की देखभाल करनी होगी, इसलिए मेरा मतलब है कि फिलहाल मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इतना बड़ा वाकया होने के बाद यमान जुहाल को मेंशन में देखना ही नहीं चाहता है। और मुझे ये भी डर है कि मेरी गैर मौजूदगी से कहीं ज़िया ना मुतासिर हो जाए। अब तुम खुद ही देखो कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैं फौरन आती हूँ। मैं नीचे कैफेटेरिया जा रहा हूँ, क्या आपको कुछ मंगवाना है? नहीं शुक्रिया। जानती हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा है उस पे, लेकिन उसे मैंशन में रहना ही होगा। यमान, हम लोगों ने इस बारे में पहले भी बात की है, लेकिन अब सिचुएशन तब्दील हो चुकी है। जुहाल का एक्सीडेंट हुआ है, उसका अकेला रहना ठीक नहीं। ऐसी हालत में उसका मैंशन से दूर रहना उसे मजीद तनहा महसूस कराएगा, और ऐसे वक्त में जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, उससे मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। वो तमाम बातें करने के बावजूद जुहाल के कुछ भी कहने या करने की अहमियत नहीं है कोई। जो अहम है वो फैमिली है, और जरूरत के मौके पर कभी भी फैमिली एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ती। कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती।
हमारी फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है ये मुझे मेरे बाबा ने और तुम्हें तुम्हारे बाबा ने सिखाया है यमन। लेकिन अगर जुहाल को हमने इस हाल में छोड़ा तो ये हमारी वैल्यूज के खिलाफ होगा। खुदा के लिए यमन ऐसा ना करो। इजाजत दोगे जुहाल को वापस आने के लिए? क्या हो गया? हुआ क्या है? तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझे सदमा होगा? हाँ नस्लिहान, अदालत? जिया साहब, वो हम नहीं चाहते थे कि आप इस पौधे की वजह से परेशान रहें। उस दिन सफाई करते हुए मुझसे इस पौधे की एक शाख टूट गई। खाला मुझसे यही कह रही थी जिया सर कि अगर आपने ये देखा तो आपको बहुत सदमा होगा। ये वाकई बहुत ही नाजुक होते हैं और ये बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो नस्लिहान, ये पौधे नाजुक तो होते ही हैं, लेकिन फिर से निकल आते हैं। इनके टूटने पर हमें गम नहीं करना चाहिए, ये दोबारा से उगाते हैं। यमान और सहर लगता है कि देर से आएंगे। इकबाल सुहाल को उसके दोस्त के घर से लेने गई है। मतलब अब मैं क्या करूंगा? बेहतर होगा कि सोने ही चला जाऊं। शब बखैर जिया साहब। शब बखैर। आप ऐसा क्यों कर रही हैं खाला? मैं तुम्हारा बहुत जोर तोड़ दूंगी निस्लिहान, तुम समझ गई? तुम जो कह रही थी देखा, जिया साहब सुनने वाले थे। तुम्हारी वजह से वो कितने परेशान हो जाते पता है तुम्हें? इधर देखो, आइंदा से अपनी जुबान काबू में रखो। जो मैं कह रही हूँ समझ गई? आइंदा से ख्याल करना। सुहाल, मेरी प्यारी बहन सुहाल, मेरी जान, प्लीज आंखें खोलो। सुहाल, सुहाल, अल्लाह का शुक्र है तुमने आंखें खोली। सुहाल मेरी प्यारी बहन, काश मैं जिंदा ना बचती। जान छूट जाती मरने के बाद आपकी। अब मैं ये दोबारा नहीं सुनूंगी, समझ गई? क्या तुम मेरी जान भी लेना चाहती हो? बताओ मुझे, तुम्हें नहीं पता मैं कितना डर गई थी। अब दोबारा कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करना, सुन रही हो ना क्या कहा मैंने? अब से मैं अपनी बहन के साथ ही रहूंगी हमेशा। पता है सुहाल, मैंने चीजें ठीक करना शुरू कर दी है। यमान ने तुम्हें डिस्चार्ज होने के बाद मेंशन आने की इजाजत दे दी है। मैं फिर से उस जगह पर वापस जाऊंगी
वो सब दोबारा देखूंगी। अब सब ठीक हो जाएगा सुहाल, मैं सब संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। क्या हुआ मेरी जान, दर्द हो रहा है क्या जुहाल? सब ठीक हो जाएगा। मैं जाए हादसे से जुहाल की कार टोकर के ले आया हूं। पुलिस का बयान भी हो चुका है इमान, इंश्योरेंस कंपनी से भी बात हो गई है। नदीम तुम्हें मैचन पहुंचा देगा। मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकती। तुम्हें कैसे छोड़ दूं मैं यहाँ? इकबाल साहब और तुम वैसे ही थक गए हो, तो मैं मदद कर सकती हूँ ना यहाँ पे। यूसुफ के लिए उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ना, हम में से किसी एक को उसके पास होना चाहिए। मैं भाभी से बात करके कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगा। बैग छीनने वाला ये कोई ग्रोह नहीं बल्कि बीमारी है, और ये बीमारी पूरे इस्तांबुल में फैल गई है। किसी फुटेज में ठीक से दिखाई नहीं देते। बहुत शातिर लोग हैं, प्लानिंग से काम करते हैं। हाँ ऐसा ही है, वो ऐसी जगहों पर वारदात करते हैं जहाँ कैमरे मौजूद ना हो। वैसे तुम इतनी देर तक यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो चले जाना चाहिए। मुझे एक काम था, बस वही कर रहा था, अब जा रहा हूँ। क्या हो रहा है कृपी? भाई तुम्हारे कबाब लाया हूँ। कौन से कबाब? अदाना वाले। क्या मैंने मंगवाए थे? मैंने कबाब ऑर्डर नहीं किए। वल्ला इसका मुझे पता नहीं, मगर ये तुम्हारे लिए हैं। ये देखो, तुम्हारा नाम लिखा है भाई। मजे करो भाई। शुक्रिया। रात ये तुम खा लो, अब मैं चलता हूँ। जाहिर है तुम काफी देर तक यहाँ रहोगे। हाँ मुझे रुकना पड़ेगा, शुक्रिया। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। काश मेरा बैग मिल जाए, क्योंकि उसमें कुछ मेरी ज़रूरी चीज़ें भी हैं, वरना मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। समझ नहीं आ रहा मुझे। वो मिल जाएंगी, मेरा मतलब मैं ढूंढ लूँगा। हिम्मत मत हारो फिरात, हिम्मत मत हारो, तुम्हें वो बैग ढूंढना ही होगा।
जुहाल कैसी है, अब ठीक है? फिक्र मत करो तुम, भाभी और जुहाल दोनों बिल्कुल ठीक हैं। सुबह तक दोनों घर आ जाएंगी। अभी तक नहीं सोई तुम? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए कम अज कम कोई तो जागा हुआ हो ना। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं मैं? नहीं, मुझे भूख नहीं। तुम्हारा हाथ ये तो अभी तक लाल है, इतनी लापरवाही अच्छी होती है क्या? इंसान क्रीम ही लगा लेता है ताकि कुछ मैनेज हो जाए। बाथरूम में देखना जरा, क्रीम रखी होगी, लगा लेता हूं। मुझसे क्या, ये क्या अभी बात करने वाला है मुझसे? मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। आंखों में देखते हुए बात करना बहुत मुश्किल है। वैसे तुम मुझे थकी हुई लग रही हो। मेरा ख्याल है तुम्हें कुछ घंटे आराम करना चाहिए। शब बख़ैर। तो ये कहना था उसे, बस ये? कर मेरी जबान खोल दें आरिफ बाबा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बस सुन लो,
बेशक यहां मत देखो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में देखकर बात करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आरिफ बाबा ने मुझे कहा था कि मुझे अपनी जबान खोलनी है, तुम्हारे मेंशन में आने के बाद सब कुछ बदल गया। यूसुफ फिर से खुश हो गया, तुमने इसे घर बना दिया, हत्ता कि भाई भी अब बेहतर हैं। जाहिर है सिर्फ भाई ही नहीं, तुमने सब कुछ बदल दिया, मुझे भी, मतलब बेहतर बनाया, तुमने बदल दिया। देखो, मुझे ऐसी बातें करने की आदत बिल्कुल नहीं है, ये बहुत हसास मौजू है, क्या है भाई? फिरात, क्या मेरी टेबल पर ये चॉकलेट और बिस्किट तुमने रखे हैं? नहीं। रखने वाले को देखा तुमने? नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, कल कबाब और आज ये सब चीजें कौन भेज रहा है? यहाँ एक साइन रहता है,
फिराक, कल बैग छीनने वालों की फाइल पर तुम्हारा एक साइन रह गया। मैंने तुम्हें साइन छोड़ते नहीं देखा, मतलब आज तक नहीं देखा। अरे यार, मैंने इसे देखा नहीं कारा। तुम इसे रख दो, मैं कर दूंगा। चलो ठीक है। शुक्रिया। अच्छा, मुझे इस पर साइन करने हैं। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कॉल करें। ठीक है, तो मैं खुद तुम तक पहुंच जाऊंगा। जुहार, एहतियात से हाथ पकड़ो मेरा। शाबाश, आराम से उतरो। हिम्मत करो मेरी जान। हाँ, शाबाश। सोचना छोड़ दो सुहाग, चलो अंदर चलो। ख्याल रखना बस अपना। अब ये जगह मेरा घर नहीं है। अभी सब छोड़ो, हम बाद में बात करेंगे। आराम से। आ जाए। इकबाल, इकबाल तुम सुबह से घर से निकली हुई हो, कहां गई हुई थी? मुझे जुहाल के साथ एक काम था तो वो करने गई थी। तुम घर पर नहीं थी ना? बहुत मिस किया तुम्हें। मैं भी करती रही डार्लिंग, बहुत मिस किया तुम्हें। जुहाल, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ जया भाई, बस थक गई हूँ। जुहाल, तुम्हारे माथे पर क्या हुआ है? लगता है कि तुम्हें चोट लगी है। जया, वो बेदहानी में इसका सर टकरा गया था, कोई ज्यादा गहरी चोट नहीं है, ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। टेरिस पर जाकर अपने फूलों को देखो, कुछ देर में मैं भी वहीं पर आती हूँ, फिर वहाँ हम दोनों बैठ के कहवा पियेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, तो देर मत करना, ठीक है? नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। चले आपा, चलो। अल्लाह तुम्हें सेहत दे जुहाल। थैंक यू सहर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं जुहाल के साथ उसके कमरे तक चली जाऊं। बिल्कुल। खाला, मैं अपना फोन भूल गई थी मेरी जान, मेरे बैग में। जिनका सामना मैं अपनी जिंदगी में करता रहा, खुदा ना करे तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं एक सख्त चट्टान की तरह था, लेकिन जिंदगी ने मुझे
इन पत्थरों की तरह तोड़ दिया, बास दफा ना चाहते हुए बास दफा चाहते हुए। आपके हाथ में पत्थर है क्या खाला? मेरी जान इसे ऑनिक्स कहते हैं। ये ऑनिक्स क्या होता है? ऑनिक्स खास पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों पे जब तेज हवा चलती है ना तो ये टूट के गिर जाते हैं। बहुत बड़े बड़े पत्थरों के रूप में समंदर में होते हैं, जहाँ पर लहरें इन्हें छोटा कर देती हैं। ये खूबसूरत और चमकदार है। बिल्कुल। आप कॉफी यहां पिएंगे या नीचे सहर साहिबा के साथ? नीचे जाकर या रहने दो, यही ले आओ। पूरा हफ्ता मसरूफ रहा, शादी, मेहमानों का हुजूम, मुबारकबादें और फिर ये हादसा। आप और सहर साहिबा थक गए होंगे। पूरा हफ्ता मेंशन में हंगामा रहा। उम्मीद है कि अब कुछ अरसा सुकून से गुजरेगा। ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो। जब छोटी थी तो इससे खेलती थी? तैयार हो जाओ, हम चल रहे हैं। लेकिन कहाँ? हनीमून पर। हनीमून? इसने हनीमून ही कहा है ना? हनीमून, हनीमून। मेरी जान, तुम यहाँ पर खेलो, मैं फौरन आती हूँ। ओके। ये अचानक हनीमून, वो हनीमून का प्लान, यानी इसकी जरूरत क्या है? तुम्हें मालूम है फॉर्मेलिटी है ये शादी तो। न्यूलीवेड्स हनीमून पर जाते हैं, मेरा ख्याल है हम भी न्यूलीवेड्स हैं। कोई बहाना हो सकता है ना, जैसे जैसे कल हुआ था जोहाल के साथ, ऐसा कुछ। बहानों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, हर कोई हमारी तरफ देख रहा है, खासतौर पर सोशल सर्विस वाले। ये क्या है? होटल्स की लिस्ट, इनमें से एक मुंतखब कर लो, हम कल ही जाएंगे। क्या कल?